हेलो आर्टहोलिक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल फाइन एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगनिंग। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम क्विलिंग फोटो फ्रेम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल हैव टू टेक वन कार्डबोर्ड, स्केल्स, स्क्रैपर एंड सीजर्स, फेविकॉल, पेंसिल एंड इरेजर, सम ब्लेंडिंग ब्रशेस एंड प्रीमियम पोस्टर कलर्स, टिश्यू पेपर्स एंड सम मल्टी कलर्ड क्विलिंग स्ट्रिप्स, दैट इज 0.5 mm एंड 0.7 mm। सो क्विलिंग नीडल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बेस क्रिएट करना है, जिसे मैंने स्टिक किया है फेविकॉल से। स्टिक करने के बाद मैंने उस पर टिश्यू पेपर्स मैंने कवरिंग कर दिए। उसके बाद मैंने उस पर लाइट पिंक, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेबी पिंक कलर मैंने इसमें यूज़ किया है। और स्टेप बाय स्टेप मैं क्विलिंग के जो ऐसे रोल्स है उसको क्रिएट कर लूँगी। क्रिएट करने के बाद मैं इसे वन बाई वन इस पर आइडेंटिकल पैटर्न से स्टिक करती जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, आप इसको कोई भी पैटर्न में क्रिएट कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैंने मिडिल में, आपने देखा है कि एक गर्ल की पेंटिंग को बनाया है, लेकिन आप इसमें अपने फोटोज भी अटैच कर सकते हो। तो मुझे ऐसा ही बोला गया बनाने के लिए, एक्चुअली इट इज़ माई कमीशन वर्क, तो इसीलिए मैंने ये बना दिया सेम टू सेम जैसा मुझे बोला गया था बनाने के लिए। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप जो है क्विलिंग रिंग्स को स्टिक करते जाएंगे फेविकॉल से। ध्यान रहे, ज्यादा फेविकॉल यूज करना सही नहीं है, बिकॉज ज्यादा फेविकॉल यूज करने से आपकी जो क्विलिंग की लेयर्स है उसके बाहर आ जाता है फेविकॉल, तो डैट वॉट नॉट गुड लुक। ओके, सो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। और बेसिक चीजें हैं, क्विलिंग नीडल को इस तरह से रोल कीजिए उसमें स्ट्रिप को, कि वो बाहर ना आए और वो एक आइडेंटिकल सर्कल बनाए, जो कि वो बहुत फिनिश्ड लगना चाहिए। तो एज यू कैन सी, बेसिक टिप्स इसमें मैं आपको ये देना चाहूंगी कि आपका काम फिनिश्ड होना चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन वर्क से लोग इम्प्रेस होते हैं और जैसा कस्टमर का फीडबैक अच्छे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गिफ्टिंग पर्पस के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। तो देखिए, कोई फाउंडेशन नहीं है, आप जैसे चाहो आप वैसे स्टिक कर सकते हो। मुझे ये पैटर्न अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ऐसे स्टिक किया। कुछ फ्लावर टाइप का आपको जो है पैटर्न मिल जाएगा वन बाय वन। एंड हाँ, आपको अगर इससे भी अच्छे कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो आप वैसा भी बना सकते हो। मुझे तो ये क्रिएट करना था इसलिए मैंने ऐसा सेम टू सेम क्रिएट कर लिया। आप वो जैसा सही पड़े आप वैसा कर सकते हो। और मस्ट रिमेम्बर कि आप टिश्यू इस तरह से यूज कीजिए अपने कार्डबोर्ड पे, जिससे वो पूरी तरह से कवर हो जाए आपका जो बेस लेयर है। तो देखिए, फर्स्ट लेयर हो चुकी है लगभग, सेकेंड लेयर पे काम करते हैं। कुछ लीव्स वाले पैटर्न मैंने यूज किए, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे स्टिक कर रही हूँ। पैटर्न शोवर लगना चाहिए, जिस तरह से आप उसको डेकोरेट करोगे वो शोवर दिखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, मेरा पूरा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है, तो ये कुछ ऐसा लुक दे रहा है। स्टेप बाय स्टेप रिंग यूज किया है मैंने उसमें बस, और ऐसा कुछ ब्राइट लुक आ रहा है। बाकी आप ऐसा बनाइए, खुद से कोशिश कीजिए,
अच्छी डिजाइंस को इंट्रिकेट कीजिए। सो एट लास्ट आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शंस में, और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू। ओके बाय।